हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बंसीधर फैशन पॉइंट में। आज हम जानेंगे E6 के बारे में। E6 होता क्या है, ये आता क्यों है और ये आने से हमें क्या करना चाहिए। ऐसे मुझे बहुत सारी कमेंट्स आई है कि E6 प्रॉब्लम आ रही है, E6 पर प्रॉब्लम आ रही है, मतलब तो मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना के दे दूँ कि E6 प्रॉब्लम आता क्यों है और ये क्यों आता है, किस कारण से आता है, इसका आने का कारण क्या क्या है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि E6 आता क्यों है। तो देखिए, जैसे कि मशीन में E6 आ गया है, ये अपन अभी मशीन को स्विच ऑफ करते हैं, थोड़ा टाइम लेगा, मशीन को स्विच ऑफ होने में थोड़ा टाइम लगता है, 5 से 10 सेकंड के समथिंग। ये मशीन पर ऑफ लिखा आ गया, देखिए अभी जैसे ही चालू करते हैं ये मशीन यहाँ पर राउंड हुई है, बट यहाँ पर नंबर आते से E6 लिखा आ गया। अब ये क्यों लिखा आया, तो इसका आने का एक कारण होता है कि ये जो अपन चलते हैं पीछे, ये देखिए ये मैंने केबल निकाल के रखी है, ये जो नीचे वाली हमारी केबल आती है, ये देखिए इधर ये जो केबल आती है, यहाँ की इस जगह की जो केबल आती है, इस जगह की केबल ये ख़राब हो जाए, इसमें से अगर कोई वायर निकल जाए, देखिए इसमें से अगर कोई वायर निकल जाए, अगर इसमें से कोई वायर निकल जाता है, देखिए मैं फ्लैश ऑन कर लेता हूँ, ओके, इसमें से अगर कोई वायर निकल जाए, ये देखिए इसमें से अगर कोई वायर निकल जाए तो आपको E6 की प्रॉब्लम आएगी। पहले तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, चालू है, मुझे करंट लग जाएगा। देखिए इसमें से अगर कोई वायर निकल जाए, लूज़ हो जाए या फिर ये वायर ख़राब हो जाए तो E6 प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप, हो सकता है कि आपकी मशीन में E6 प्रॉब्लम आ रही है तो ये वायर ख़राब हो गया होगा। अब देखिए इसे मैं लगा देता हूँ वापस थोड़ा, ये देखिए इसको पिन बिल्कुल ईजी तरीके से लग जाएगी, ये देखिए ये पिन है, इसको देखो, ये इसमें कट देने से आवाज आएगी। ये देखिए एक लॉक है, ये लॉक लग जाना चाहिए, ये लॉक लग गया। देखिए अभी हम मशीन चालू करेंगे, ये देखिए मशीन चालू ही, ये हमारा पी माइनस आ गया, मतलब मशीन अब चलने लगेगी। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि E6 प्रॉब्लम आता क्यों है। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए बाय बाय।